प्रेरणा दृष्टि यूट्यूब चैनल दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने देखा कि क्रोध क्या होता है और क्रोध के उदाहरण क्या क्या है। काफ़ी सारे दर्शकों ने इस वीडियो को पसंद किया है। आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप बेल का आइकन दबाकर इन वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप तक मैं अधिक से अधिक लाभदायक जानकारी पहुंचा सकूं। इस चैनल को आप अपने इष्ट मित्रों से भी शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रोध के क्या क्या परिणाम होते हैं, क्रोध के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनें। क्रोधी व्यक्ति की ना तो समाज में और ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और ना परिवार में ही कोई इज्जत होती है, उसका कोई सम्मान शेष नहीं रह जाता। क्रोधी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की बीमारी भी जकड़ लेती है। क्रोधी व्यक्ति को हृदय आघात भी हो सकता है। क्रोधी व्यक्ति को लकवा तक मार सकता है। पैरालिसिस और पार्किंसन जैसी विकट बीमारियां जकड़ सकती है। क्रोधी व्यक्ति का पेट अक्सर खराब रहता है और उसे गैस और अपच की बीमारी जकड़ सकती है। क्रोधी व्यक्ति के शरीर में एड्रिनल हार्मोन का अधिक रिसाव होता रहता है, इससे किडनियां खराब हो सकती है। क्रोधी व्यक्ति की दिमाग की नसें भी फट सकती है। लगातार क्रोध करते रहने से व्यक्ति में पागलपन और साइजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारियां पनप सकती है। क्रोधी व्यक्ति क्रोधी स्त्री एवं क्रोधी पुरुषों को अपोजिट सेक्स के लोग कोई भाव नहीं देते एवं उनसे 10 कदम दूर ही रहना पसंद करते हैं। क्रोधी लोगों में नपुंसकता उत्पन्न हो सकती है। क्रोधी व्यक्तियों को नेत्रों के रोग हो सकते हैं। रेटिना में ग्लूकोमा हो सकता है। क्रोधी व्यक्ति क्षणिक आवेग में आकर अपना भी नुकसान कर सकता है और अन्य व्यक्तियों का भी नुकसान कर सकता है। क्रोध के आवेग में आकर हत्याएं और आत्महत्याएं तक हो सकती है। आपने टेलीविजन चैनलों पर इस बारे में सुना और देखा होगा। क्रोधी व्यक्ति जब ड्राइविंग इत्यादि करते हैं तो गंभीर एक्सीडेंट भी कर देते हैं। कई बार बस या ट्रक ड्राइवर क्रोध के आवेश में आकर एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं, जिससे आपराधिक मामले उत्पन्न होते हैं। क्रोधी व्यक्ति एक कांटेदार वृक्ष, एक कांटेदार झाड़ी के समान होता है और कोई उसके पास जाकर उसके कांटों से घायल नहीं होना चाहता। कोई इंजीनियर या ठेकेदार यदि क्रोधित स्वभाव का होता है तो कोई लेबर वाला या मिस्त्री अधिक दिन तक उसके पास नहीं टिक पाता। इसी प्रकार रेस्टोरेंटों, ढाबों और दुकानों में भी क्रोधी व्यवसायियों के पास उनके नौकर अधिक दिनों तक नहीं टिक पाते। क्रोधी व्यक्तियों में कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में शुभ चैतन्यता कहते हैं, की कमी हो जाती है। उनका मन कलुषितता से भरा रहता है। क्रोधी लोगों में एग्रीएबलनेस की कमी हो जाती है। उनमें दयालुता एवं स्नेह की कमी रहती है। वे दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। क्रोधी व्यक्तियों में न्यूरोटिसिज्म या मूड स्विंग के संकेत मिलते हैं। वे अक्सर चिंतातुर रहते हैं। औरों के प्रति उनके मन में अविश्वास की भावना रहती है। लोग भी उनसे डरे रहते हैं कि ना जाने कब वे उत्तेजित हो जाए। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि क्रोध अत्यंत अनिष्टकारी, अत्यंत विनाशकारी होता है। व्यक्ति क्रोध के कारण अपना सर्वनाश कर लेता है, परिवार का सर्वनाश कर लेता है व समाज को भी दूषित करता है। क्रोधी व्यक्तियों में अधिकतर अधिकारवादिता का एटीट्यूड और अहंकार का भाव भी विद्यमान रहता है। ये भाव क्रोध के कारण बन सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझता है। वह अन्य सब लोगों से
अपने आप को सुपीरियर सोचता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के लगन भाव में यदि सूर्य मंगल होते हैं अथवा लगन भाव को यदि सूर्य मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहे होते हैं तो वह जातक अवश्य ही क्रोधी स्वभाव का होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। क्रोधी व्यक्ति अपना गलत आंकलन करता है। स्कूल कॉलेज से लेकर नीट यूजीसी नेट यूपीएससी एसएससी एवं कैट आदि परीक्षाओं में भी क्रोधी स्वभाव के बालकों को अक्सर असफलता का सामना करना पड़ता है, जबकि सामान्य बालक थोड़ी या औसत से थोड़ा अधिक मेहनत करने पर भी सफल होते पाए गए हैं। क्रोधी व्यक्तियों के शरीर में किडनी से स्रावित होने वाला एड्रेनल हार्मोन, कोर्टिकोसोल हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, शरीर के अन्य हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन इत्यादि का स्तर बढ़ जाता है। इससे इंसुलिन स्रावित करने वाले पैंक्रियाज ग्लैंड एवं थायरोक्सिन स्रावित करने वाले थायराइड ग्लैंड की कार्यक्षमता इम्बैलेंस और इम्पेयर होती है, जिससे उन्हें डायबिटीज और थायरॉइडिज्म जैसे रोग घेर लेते हैं और अंत में ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, जिससे सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दिमाग के अन्य महत्वपूर्ण अंगों अवयवों जैसे हिप्पोकैम्पस इत्यादि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दिमाग के ये अंग मेमोरी को स्टोर करने का काम करते हैं। इससे क्रोध स्वभाव वाले बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी मैटर को याद नहीं रख पाते, लंबे समय तक उनकी मेमोरी बरकरार नहीं रहती, उनका मस्तिष्क हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है, जिससे चीज़ें उनके दिमाग में सेटल डाउन नहीं हो पाती, उन्हें डायबिटीज होने का भी डर बना रहता है। ऐसे लोग बाहर से चाहे दादा टाइप छवि बनाकर रखते हों पर अंदर से वे डरपोक प्रकृति के होते हैं। अपने डर को छुपाने और अपनी अक्षमताओं को छुपाने के लिए वे क्रोध का मुखौटा पहन लेते हैं। इसलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय आप पर निर्भर करता है। और इन सब बातों से तो यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्रोध एक बहुत ही भयानक मनोवैज्ञानिक दोष है और इससे बच के रहना चाहिए ताकि हमारा व्यक्तित्व सुधर सके और हम सफलता के कदम चूम सके।